नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूनिट फर्स्ट से सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब हम भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्षों के बारे में जो है बात करेंगे कि कौन कौन से अध्यक्ष थे और किस किस तरीके से वो जो है आए थे। भारत की जो लाइब्रेरी है बेल्वेडियर हॉल, जो इस टाइम पे इम्पीरियल लाइब्रेरी बनी हुई है, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इम्पीरियल लाइब्रेरी जो 1902 में बनी थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जॉन मैटफरलैन। हाँ जी, जॉन मैटफरलैन जो थे वो 1903 से लेके 1907 तक इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये ब्रिटिश म्यूज़ियम से थे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि ब्रिटिश म्यूज़ियम का नाम आ जाए या फिर कोई और नाम आ जाए तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको जो है साथ के साथ लिखनी है, ताकि आपको पीछे का भी याद रहे। इससे क्या होगा, लिखने से आप जो है चीज़ों को भूलोगे नहीं। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना जो है सन 1753 में हुई थी और राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो दर्जा था इसको 1877 में मिला था। हम दूसरे अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उनका नाम है हरिनाथ डे। वो प्रमुख भाषा जनक हैं जो 1907 से लेकर 1911 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। तीसरे अध्यक्ष देखो, जो जॉन मैटफरलैन थे वो विदेशी अध्यक्ष थे, ठीक है। जो हरिनाथ डे थे वो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। और हम तीसरे जो भारतीय अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं वो थे जे ए चॉपमैन, जो 1911 से लेकर 1930 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। अब हम चौथे अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, के एस अब्दुल्ला खान, जो 1930 से लेकर 1945 तक जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। 1935 में इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खान बहादुर की उपाधि से जो है नवाजा था। आईएलए के प्रथम सचिव यानी कि निर्माणकर्ता यही हैं। भारत में समय सीमा युक्त प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी यही करते हैं, जिसकी अवधि 6 महीने की थी तथा लगातार 10 वर्ष तक यह चलता रहा। 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है किए गए हैं। पांचवें अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो थे बीएस केसवन। वो 1945 से लेके 1961 तक इसके जो है अध्यक्ष थे। 29 सितंबर 1948 को इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दो है दिया गया था, ठीक है। इसमें CRL यानी कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है आया था, ठीक है। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक भाग है। 1955 में यह आया था। सेंट्रल लाइब्रेरी की हम बात कर रहे थे, CRL यानी कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो 1955 में जो है आई थी। CRL जो है वो INB का प्रकाशन करता है, यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वर्णमय सूची, ठीक है। भारतीय वर्णमय सूची का जो प्रकाशन है वो CRL करता है। प्रकाशन जो है 1957 से हो रहा है। इसकी आवृत्ति जो है वो मासिक है। ये 14 भाषाओं में है और कंप्यूटरकृत जो है वो 2000 है इसमें। भारतीय वर्णमय सूची के जो पिता हैं वो बीएस केसवन को जो है कहा जाता है। 1951 में बंगाल के राज्यपाल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा इसका मुख्यालय जो था वो मेडकॉफ हॉल में जो है स्थापित कर दिया जाता है 1951 में। फिर 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेडकॉफ हॉल को आम जनता के लिए जो है खोल देते हैं, यानी कि अब आम जनता वहाँ पर जाकर पढ़ सकती है, बुक्स ले सकती है। जब यह बना था उस टाइम पे इसमें 26,41,615 पुस्तकें थी और कंप्यूटरकृत पुस्तकें जो थी वो 21,250 थी।
और बात की जाए तो यहाँ पर छुट्टी कितनी होती है, तो यह वर्ष भर खुला रहता है, 362 दिन ये खुला रहता है। इसमें केवल साल में 3 दिन अवकाश रहते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसमें वर्गीकरण यानी कि DDC, ED, सूचीकरण AACR2 एंड CCC कॉलन क्लासिफिकेशन, विषय शीर्षक LCSH, ठीक है। अगर हम इसे प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कल्पना दास गुप्ता हैं जो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आज ये हमारा यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर था वो आज पूरा हो गया है। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट डाल दिया गया है पूरा का पूरा, अब ये सेकंड चैप्टर था। कल से आपके लिए यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर की वीडियो डाली जाएगी। आई होप आपको मेरी बनाई हुई सारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस के लिए कृपया मेरे चैनल को देखते रहें और बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर कौन सी वीडियो चाहिए। सो थैंक यू।